सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सना चोपड़ा व्लॉग्स। सो आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। और आज का व्लॉग में ये है कि आज मैं मोमोज बनाने वाली हूँ, मोमोज की रेसिपी। और एक तो हमारे घर के पीछे काम चल रहा है कंस्ट्रक्शन का, तो वहाँ पे इतना ज़्यादा शोर है कि बहुत ज़्यादा शोर है, हम कुछ कर भी नहीं पा सकते सो इसी के साथ मैं अपना व्लॉग शुरू कर रही हूँ। सो मैं अभी मोमोज बनाने के लिए शिवम जाएंगे थोड़ी देर तक सामान लेने, मतलब जो भी मटेरियल चाहिए मैदा वगैरह, क्योंकि वो ख़त्म हो गया घर पे, तो वो लेने जाएंगे। और मैं तब तक चॉपिंग वगैरह का जो काम है मैं वो अपना पूरा करती हूँ, उसके बाद जो जो मैं बनाती रहूँगी आपको रेसिपी भी साथ में दिखाती रहूँगी। यहाँ पर मैंने थोड़े से अनियन रखे हैं और ये गाजर है और ये शिमला मिर्च। चॉप करूँगी, चॉप करने के लिए मैं इसको चॉपर में डाल दूँगी, क्योंकि मैं छोटे छोटे पीस तो कर नहीं सकती एक एक प्याज के, तो इसको बस ऐसे डाल दूँगी। सो अभी मैंने अनियन चॉपर में किए, फिर भी हमारी आईज में इतना लग रहा है, प्याज बहुत तेज है। नशा। मुझे इसलिए प्याज छिलना या काटना बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं इजी वे अपनाती इसको चॉप कर देती हूँ, बट फिर भी इतना ज़्यादा लग रहा है। इसमें ना मिर्चें और डलेंगी। सो माय प्यारे प्यारे हस्बैंड मेरी हेल्प कर रहे हैं, ही सो स्वीट। चीज़ ही चॉपर में डालने लगे, इसको मुझे छोटे छोटे पतले पतले स्लाइसेस चाहिए हैं। एक्चुअली ये कर तो मेरी हेल्प रहे हैं, पर ये बहुत ज़्यादा गंद पा देते हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता। वो रेड सॉस और वो कैसा गंदी है रेड सॉस। अपन केचप खा लेंगे, मेयोनीज पड़ी है, जिन्होंने नहीं खाने ना भाई। बोलना जरूरी है। yes. तेरा बोलना जरूरी था। हाँ गाइस, मेरे ना गर्दन में बहुत जोर से मोच चढ़ गई है, नस चढ़ गई है कि मोच चढ़ गई है और बहुत दर्द हो रहा है। आई यार इधर नहीं, इधर इधर। बाल भी दर्द हो रहा है, बाल भी दर्द हो रहा है, बाल नहीं, बाल तो खींच रहा है ना, तो हाँ बाल दर्द हो रहे हैं, तो सिर ऐसे मोड़ है, इसको ऐसे ऐसे मोड़ है, हाँ बहुत दर्द हो रहा है यार, अचानक से हुआ मेरे। तो अभी यहाँ पे हो रहा है गाजर, वो कद्दूकस हो रहा है। मैं अभी मेरे गर्दन में बाम लगा कर आई हूँ, ठीक हो गया? नहीं ठीक नहीं हुआ, पता नहीं क्या हो गया, एकदम से नस चढ़ गई, बल पड़ गया, फीलिंग कैसे आ रही है, मतलब मेरी इस पासे गर्दन आ रही, इस पासे जा नहीं रही है। इस इतना कपड़ा दे, इन दोनों चीजों को निचोड़ना है। ओके जो जो सारे इंग्रेडिएंट्स लगेंगे पहले वो सारे चॉप कर लेते, उसके बाद मैं आपको दिखा दूंगी कि क्या-क्या मैंने डाला है। 1 आवर लेटर। और अब हम उठ गए हैं, सजना भी उठ गई है, बड़ी जल्दी शुक्र है। उठो, आप उठे हो, मैं तो ये आर ट्यूशन से आके है, जा आया है और हाथ पे पता नहीं क्या लगा रहा है, ये चारकोल मास्क लगाया है। और सजना सुबह से मेरे मोमोज बना रही थी, शाम हो गई है, अभी तक कहां तक प्रोग्रेस है? आप मैदा लेकर ही नहीं आए, जब तक मैदा नहीं आएगा मोमोज नहीं बनेंगे, बाकी सारा सामान काट के रखा है। प्री ऑफिस में ना इसने मेरे चार को लगाया, पहले नाक साफ कर दो मेरा, ये देखो हाँ ये लगा है, थैंक यू। आरव का रंग उतर रहा है, है ना? अभी पता क्या हुआ, अदरक मंगाना ही थे, साफ साफ ठीक है, 10 रुपये लाना ठीक है। आज पता क्या हुआ, प्रिया ना गई अपने ऑफिस, है ना, कोट सा पाके गई, इसका पीएम क्या कहता है इसको, क्या मैडम ये कंबल क्यों लपेट के लाए हो? अच्छा ये कंबल ही लग रहा है प्रिया, शट अप। और ये आरव का रंग छूट रहा है आरव के हाथों से। कितना फर्क है देख लो, बॉडी का कलर ना उतर के यहाँ पे आ गया। ये क्या किया? अब देखना इसका टेस्ट कितना अच्छा हो जाएगा। छी
ये आरव वाली हरकतें शुरू कर दी है इसने भी। मैं नहीं खाता ऐसे, मैं नहीं खाता, करता है दैट्स ऑल बस, और कुछ नहीं। और बिस्किट भाई आपको कैसा लग रहा है इसकी हरकतें देख के? बहुत अच्छा। अब यहाँ पे देखिए सास ने नूह की तारीफ करनी शुरू करती है, वो भी गलत काम में। चाय में पहले ये बताइए चाय में गुजिया कौन डालता है? जाना पेट में ही है, चाहे अलग नमकीन का हो चाहे अलग। ये का तो स्वाद कौन सा ले रही है, नमकीन का कि मीठे का? बड़ा अच्छा लगता है दीदी, खा के देखो। ओहो, फाइनली आज मैं शाम को नहाया तो लेट हो गए हैं। तो अब फाइनली दोपहर से बोला था मोमोज बनाने के लिए, तो ये अब जा रहे हैं 6 बजे मैदा लेने। और मैं कब मोमोज बनाऊंगी? और वैसे बता दूं मैं इतनी एक्सपर्ट तो हूं नहीं मोमोज बनाने में, तो मुझे मोमो वाली मत समझना। तो आरवी आप अपने दांत दिखा सकते हैं क्योंकि पब्लिक डिमांड है। दिखाइए फिर, अब जल्दी जाओ और जल्दी लेकर आओ। चलो अब हम जा रहे हैं, आरव और मैं जा रहे हैं संजना घर। भी पहुंच चुके हैं मैदा लेने के लिए। सामान आ गया, बना दो। चोर पकड़ने आए, जल्दी से बना दो। आगे कद्दू, कद्दू कैरी बंद गोभी करो। कद्दू काटो चॉपिंग बारीक 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 बारीक, ठीक है। सो फाइनली हमारे इंग्रेडिएंट सारे तैयार हो गए। सो ये रहे चॉप्ड वो बंद गोभी, पत्ता गोभी बंद गोभी, ठीक है। और ये रहे गाजर, शिमला मिर्च, और ये अदरक और लहसुन का पेस्ट। न्यूट्री वाला नहीं बनाना, हाँ ये तू ना बस किया कर। फिर ये होगी हरी मिर्चें, और ये होगी धनिया, और ये होगी प्याज। और जिस चीज में धनिया डल जाए वो चीज आरव नहीं खाता। पर तो हमें बहुत खुशी है। चलो अब हम इसको सारा मिक्स करेंगे, ठीक है। पत्ता गोभी भी सारा इसमें डाल देंगे। उसके बाद अब इसमें हम मसाले डालने हैं हमने। सो एक मिनट। सो गाइस ये है जीरा पाउडर, इसमें हमने डाल देना सारा ये जीरा पाउडर। और ये हो गया नमक अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, जितना आपको सही लगे उतना डाल लेना। और ये हो गया रेड चिली, और ये एक स्पून हो गया मेरा हल्दी। और नेक्स्ट हम डालेंगे मैगी मसाला। मैडम मुझे ढूंढने दो किधर है। ओ इतने ज़्यादा मैगी मसाला। ओह माय गॉड। मेन होता है मोमो मसाला, बट वो यहाँ पे कहीं पे भी नहीं मिलता। अगर आप सिर्फ मोमो मसाले डालोगे ना, नमक डालोगे, धनिया पाउडर, उसमें भी बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है। सो ये सब डालने के बाद मेन इंग्रेडिएंट मेरा होगा इसमें मैगी मसाला। सो नेक्स्ट अब जो हमने सारे मसाले डाले थे इसके ऊपर हम डालेंगे 2-3 स्पून ऑयल। इस मसाले के अंदर ही डाल दो, मैं मिक्स कर दूंगी। गरम है? हाँ बाद में कर देंगे, हो जाए। तेल अच्छे से डाल देना, इसमें थोड़ा मॉइस्चर आ जाएगा। सो ये रहा हमारा मोमो मसाला पूरा रेडी है। तो मैंने ये ले लिया मैदा, और इसमें डाले हैं 1-2 स्पून ऑयल के, और 1 चम्मच नमक। थोड़ा सा और नमक डालेंगे, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा है, बस 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 बहुत है। सो अब इसमें पानी डाल के इसका डो बना लेंगे। गाइस हमारा मैदे का डो रेडी है, मैं आपको दिखाती हूँ।
ये रहा मैदे का, सॉरी हाँ मोमोज का डो, मैदे का डो, व्हाटएवर जो भी बोलते हैं। सो ये एकदम परफेक्ट है, सुन नहीं रहा। इसको हमने बेलना है और बनाना शुरू करेंगे, तो हम आपको दिखाते हैं अब इसकी टेक्निक कैसे मैं बनाऊंगी मोमोस। हस्बैंड कितने क्यूट लग रहे हैं ना इस एप्रन में। और ये मेरी हेल्प कर रहे हैं क्योंकि वैसे ज़्यादा जोर लगा के बेला नहीं जाएगा, तो ये बेल रहे हैं। सो इसको ऐसे ही हम लंबा लंबा बेलेंगे, थोड़ा थोड़ा मैदे का डो लेके इसको ऐसे बेलते रहना है। उसके बाद जो कट करना है वो प्रोसेस भी मैं आपको दिखाती हूँ। अब हमने इसको ऐसे लंबे बेले और ग्लास से गोल गोल काट लेंगे। ये हमारी फीलिंग है, इसको हमने लेना है अपने इसमें ऐसे भर लेंगे और इसको इस तरीके से राउंड राउंड घुमा के बंद कर देंगे। एक्चुअली ये हमारा मोमो तैयार है। एक्चुअली हमें अच्छे से मोमो बनाने आता तो नहीं वो शेप, बट फिर भी ट्राई कर रही हूँ। और मैंने इधर रख देना इसको, ये देखो माय मोमोज रेडी हो रहे हैं, वो स्टीम हो रहा है और ये वेटिंग पे आए हैं हमारे कस्टमर्स। ये सारे कस्टमर हैं जो मोमोज की वेट कर रहे हैं। मैं यहाँ पे अभी बैठ के रेस्ट कर रही हूँ क्योंकि मेरी गर्दन में अभी भी बहुत ज़्यादा दर्द है, पता नहीं क्या हो गया। हाँ मेरी गर्दन यहाँ से वहाँ भी नहीं मुड़ रही, इतना ज़्यादा दर्द हो रहा है। नाते हुए ये प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ गई और पेशेंट की दवाई लगानी पड़ गई है। बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है। स्पेशल किचन में कुर्सी आई है मसाज के लिए। दीदी इधर ही है बस। सो ये रहे हमारे मोमोज, ये फ्राइड मोमोज और ये स्टीम मोमोज जो हमने घर पे बनाए हैं। और ये हमने खा के देखे कैसा बना है। यम्मी, बहुत टेस्टी है। अब इसको हम बैठ कर आराम से खाएंगे। कैसे लगे? यम्मी, अच्छे हैं। स्पाइसी? मेरे को तो नहीं लग रहे। तुम कहाँ जा रहे हो? कैसा लगे आपको हमारे बनाए मोमोज? बहुत अच्छे। अच्छे लगे? ये भी खा रहा है मोमोज। अरे ये मेरे रात के लिए डाल दी, पपड़ी दे दी है। अच्छा सॉस ला के देखिए। हां स्पाइसी है। आए अच्छे हैं। अरे मिर्च लग रही है। मैं ना उसे मिर्च लग रही है, उसका मुंह बन रहा है। अभी हम आए थे बाहर साइड, जैसे कि सैटरडे है और सैटरडे को हम लोग आते हैं पीपल के पास दिया जलाने। सो शिवम दिया जला रहे हैं। जिसने बनाए हैं उसको कैसे लगे मोमोज? बहुत टेस्टी, नज़ारा आ गया, सुपर से डुपर। मैंने बनाए हैं, मैंने बनाए हैं। पर मसाला मैंने बनाया, फ्राइड इन्होंने किए हैं। ताई से भी पूछो, बहुत टेस्टी है। पर मिर्च है। एक ही कमरे में हमारे दो दो मरीज पड़े हैं, इनके पेट में दर्द है ताई के और इसकी गर्दन में बल है, अभी तक ठीक नहीं हो रही। तो गाइज आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूं। आई होप आपको हमारा ये मोमो रेसिपी अच्छा लगा। और बाकी अब मैं अपनी गर्दन सेट करती हूँ ताकि मैं नेक्स्ट व्लॉग में मिलूँ तो मेरी गर्दन एकदम सीधी हो, परफेक्ट हो, नहीं तो बस बांध के बैठे रहना पड़ेगा। सो बाय बाय, गुड नाइट, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, आल्सो डू शेयर लाइक एंड कमेंट थम्स अप और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कराएं मेरे चैनल को। अपने फ्रेंड्स फैमिली रिलेटिव्स जो भी हैं सबको बोले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। एंड बस सो बाय बाय। ठीक है जी, जय श्री राम।